नमस्कार, मैं आरती वर्मा और आप देख रहे हैं दखल न्यूज आपके हक में। जी हाँ, आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून डिफेंस कॉलोनी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के निवास स्थान पर। और आपको बताना चाहूंगी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कार्यकाल पूरे उत्तराखंड के लिए, डोईवाला के लिए बहुत ही सराहनीय रहा। काफी ऊर्जावान, जुझारू मुख्यमंत्री हमें देखने को मिले हैं। आज भी लोग इनको काफी याद करते हैं और रावत जी सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी के साथ आज हम अपनी देश की बेटियों को इनके द्वारा एक मैसेज दिलवाना चाहते हैं और लव जिहाद के ऊपर इनकी राय जानना चाहेंगे। लव जिहाद का मामला पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में, डोईवाला में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन डोईवाला के अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नहीं है। इसी के रिगार्डिंग आज हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे लव जिहाद के बारे में, हमारे देश की बेटियों को आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे लव जिहाद से बचा जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग इसको एक सुनियोजित तरीके से और अंजाम देने का काम कर रहे हैं, मैं उन मुल्ला मौलवियों से कहना चाहूंगा, आप अपने जो बच्चे हैं इनको आप चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसे हो या अन्य जो तौर तरीके उनके तालीम के हैं, उनको संस्कार दें। भारत में ये चीज स्वीकार्य नहीं है। बच्चों को समझाएं ताकि अमन और शांति कायम रह सके। और एक लव जिहाद, ये लव शब्द तो छद्म शब्द है। सच बात यह है कि जिहाद का हिस्सा है कि कैसे जो गैर मुस्लिम है उनको मुस्लिम बनाया जा सके। सीधा सीधा धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मसला है। और इसलिए मैंने कहा कि जो भी मुल्ला मौलवी हैं उनको इसमें अपने जो भी उनके जो तालीम के जो भी माध्यम हैं वहां पर वो अपने बच्चों की शिक्षा और उनको सही संस्कार देने का काम करें जो इस देश के अनुकूल है। दूसरी बात जो माँ बाप से मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को हम थोड़ा बातचीत करें, उनसे खुल के बातचीत करें, उनसे उनको हम उन पर हम अपनी निगरानी भी रखें और खुल के बातचीत करें उनसे, उनको बारे में बताएं, अपने धर्म के बारे में बताएं, अपने संस्कारों के बारे में बताएं कि हमारी किस ढंग की परंपरा है उसके बारे में बताएं, कौन हमारे यहाँ समाज में सही माना जाता है, क्या गलत माना जाता है, ताकि जो हमारी जो एक विशिष्ट पहचान है भारत की संस्कृति की उसके बारे में हमको बताएंगे तो बच्चे फिर जागरूक रहेंगे, बच्चों को क्या सही है क्या गलत है इतना जरूर है। सर, कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की बेटियां भी काफी ज्यादा सम्मिलित पाई जाती है मुस्लिम लड़कों के साथ, अट्रैक्ट हो रही है दिन प्रतिदिन, इनके लिए चाहूंगी क्या भी मैसेज। बेटियों से मैं कहना चाहेंगे अपने संस्कारों से, अपने माँ बाप से प्रेम करेंगे, उनको पाला पोसा, हमारी शिक्षा दीक्षा करी है, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी, उनका मान सम्मान रखना आपकी जिम्मेदारी, उनके मान सम्मान का भी ख्याल रखें और अपनी जो धार्मिक सांस्कृतिक जो हमारी मान्यता है उनका भी ख्याल रखें, उनको समझें कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो केसेज हुए हैं, मैं ऐसे अनेक केसेज जानता हूँ कि लव जिहाद के नाम पे, प्यार के नाम पे किसी तरह से शादी करवाई गई, निकाह करवाया गया, निकाह नामा करवाया गया या उन पर धर्मांतरण किया गया, और बाद में ऐसे अनेक घटनाएं हैं जहाँ पर उन बालिकाओं ने या तो आत्महत्या कर ली या उनको आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया गया या उनको मार दिया गया। ऐसे अनेक घटनाएं सबके सामने आज कोई मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीजें सामने हैं। हम चीजों सबक लें और हमारा अपने माता पिता का सम्मान रखना, अपने माता पिता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, तो उनका ख्याल। दखल न्यूज के साथ मैं आरती वर्मा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।